शाह असराउद्दीन रहमतुल्लाह का जो 349वां जो है उर्स जो है वो किश्तवाड़ में मनाया जा रहा है, और इसी जमन में जो है आज अगर के हम बात करें तो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन जो है वो आज किश्तवाड़ का दौरा करेंगे, मेरे साथ मौजूद है, इनसे खास तौर पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ अरेंजमेंट जो है वो ज़ाहिरीन हज़रात के लिए किएंगे, क्या कुछ जो है लोगों के लिए इंतजाम किए। जी मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो क्या कुछ इंतजाम जो है आज जो है 349वां जो है उर्स मनाया जा रहा है? पहले मैं यहाँ के लोगों को सबों को उर्स मुबारक की मुबारकबाद देना चाहूँगी आपके माध्यम से। हमारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने जो 16 मार्च 2022 से जब से नए सिरे से काम शुरू किया है, तब से हमारा मकसद यही रहा है कि हम हर एक दरगाह में जहाँ भी उर्स मुबारक हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो। खासकर किश्तवाड़ में आना हमारे लिए बायस फख्र है, क्योंकि इसरार साहब से रहमतुल्लाह अलैह से हमारी दिली मोहब्बत है, दिली इश्क है इनसे। इन्होंने जो यहाँ पे भाईचारे को कायम किया है, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिरदौस भवानी साहब ने आज खुसूसी इंतजामात वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर किए हुए हैं, वो आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं। वक्फ अब वो पुराना वक्फ नहीं रहा है, अब जो ज़ायरीन आते हैं उनको बहुत ही अच्छे इंतजामात भी मिलते हैं, और हमने कोशिश की है हर जगह, बट किश्तवाड़ में कुछ चीज़ें थी जिनको अब हम दुरुस्त करेंगे, और दुरुस्त करने की हमने कोशिश की है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले नहीं होती थी अब होंगी, और बेहतरी ज़ायरीनों को भी लगेगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो उर्स मुबारक हैं और जो हमारे अवलिया किराम आए हुए हैं, उन्होंने एक भाईचारे का दर्स दिया है और किश्तवाड़ उसकी मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर दरक्ष अंद्राबी जी, जो आज जो है किश्तवाड़ के दौरे पर है। आप देख रहे हैं केसर टीवी, मैं हूँ मुनसर गिरी किश्तवाड़ से। Thank you.